वेलकम बैक विद अनदर व्लॉग, वेलकम टू इंडियन मॉम्स वर्ल्ड। आज है नेक्स्ट डे, तो रही है मॉर्निंग और बज रहे हैं 10 बज रहे हैं। थोड़े आराम से उठे हैं और हम लोगों ने नहाया धोया, थोड़ा रेडी हो चुके हैं और जस्ट निकलेंगे थोड़ी देर में, बिकॉज आज बहुत हैट्रिक शेड्यूल है। क्योंकि हम लोग जा रहे हैं यहाँ से, अभी शेडी में है प्रेजेंट टाइम स्टिल, तो हम लोग यहाँ से जाएंगे सनी सिंगापुर। ओके, उसके बाद हमें डायरेक्ट वहाँ जाके तुरंत वापस रिटर्न आना है। फाइव आवर पूरा लग जाएगा, 2 घंटे जाने में, 1 घंटा वहाँ रुकेंगे और 2 घंटे वापस आने में लगेगा। उसके बाद हमें डायरेक्ट जाना है औरंगाबाद यहाँ से। तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल है, हम लोग शाम तक पहुँच लो, कंटिन्यू ट्रैवल करना है, कंटिन्यू मीन्स एक्टिव रहना है। तो बहुत ज़्यादा हम लोग आज थकने वाले हैं, हम लोग सुबह मॉर्निंग में थोड़ा आराम से भी निकलते हैं। एंड आज मैंने पहना है ये, दिस इज ऑरेंज सूट और दिस इज माई इयररिंग्स। सिंपल एंड सोबर लुक किया मैंने, अभी कुछ भी नहीं लगाया, ओनली लिपस्टिक के अलावा कुछ भी नहीं किया है। एंड आई एम ऑल सेट, कुछ भी करने का मन नहीं हो रहा है यार, क्योंकि थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज को ना इग्नोर कर देना, बिकॉज ये ना वो मोबाइल ले रहा है और नाश्ता कर रहा है ड्राई फ्रूट्स वगैरह, तो इस वजह से मेरा पता है बैंड बज रही है। बहुत थकान हो रही है सच में, रात में अब सो भी लो ना तो भी बहुत ज़्यादा थकान हो रही है, ऐसा लग रहा है बस आंखें बंद करके ऐसे लेटे रहो। मैं चल तो इतना रही हूँ, मतलब वैसे नहीं चलना पड़ा, कल बहुत ज़्यादा चलना पड़ा क्योंकि मंदिर में ही इतना ज़्यादा राउंड एंड राउंड चक्कर लगाने पड़े थे। और गाइस एज यू नो वहाँ पे कैमरा वगैरह सब जमा हो जाता है, तो इस वजह से मैं आपको कुछ दिखा नहीं पाई। पहले ही जमा हो गया यार, पहले ही सब जमा हो गया और मैं कुछ दिखा ही नहीं पाई। उसके बाद जो मैंने लास्ट में आपको जो क्लिप दिखाई वो था साईं बाबा के ट्रस्ट का भोजनालय, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो एक बार उसको ज़रूर ट्राई करें, बिकॉज वो प्रसाद होता है ना, क्योंकि वो साईं बाबा के ट्रस्ट है, उन्हीं के द्वारा सब किया जा रहा है, तो एक बार आप ज़रूर उसको खाइए, अच्छा लगेगा। मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, फुल प्लेट अनलिमिटेड आप खा सकते हैं वहाँ पर। मम्म जी सोया, अब हम लोग निकलेंगे थोड़ी देर में, इस ब्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिएगा तो आपको भी थोड़ा सनी सिंगापुर देखने को मिलेगा। पता नहीं मंदिर के अंदर तक जाने को मिले नहीं, क्योंकि सबका अलग अलग रहता है। कल मुझे ऐसा लगा जैसे कि अगर वहाँ पे हम लोग जमा नहीं करते तो भी चलता, चेकिंग हुई थी, इतनी नहीं हुई थी, मेरी शायद हुई थी, यस मेरी हुई थी फुल, उन्होंने चेक किया था, पर्स वगैरह सब चेक किया था, मोबाइल वोबाइल सब चेक किया था, बट अंदर जाके देखा एक दो लोगों के पास मोबाइल था, तो मुझे लगा यार शिट लाना चाहिए था। बट यार मंदिर के अंदर नहीं, जो मंदिर के जस्ट बाहर जो गार्डन वगैरह था वो सब मैं आपको दिखा सकती थी, है ना, बट कोई बात नहीं चलता है। और जितना हो सकेगा उतना ज़्यादा मैं ट्राई करूँगी हर जगह आपको दिखाने की, छोटी से छोटी चीज़ कैप्चर करने की, है ना। तो चलिए अभी हम चलते हैं सनी सिंगापुर, थोड़ी देर में निकलेंगे नाश्ता वाश्ता करके, उसके बाद हम लोग जाएंगे औरंगाबाद। Stay tuned. तो इस तरह से हम रास्ते में सनी सिंगापुर जाते टाइम रास्ते में हम लोगों ने अपना ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट और लंच का टाइम हो ही गया था, मिडिल टाइम था, तो हम लोगों ने अच्छे से लंच ही कर लिया क्योंकि वहाँ पे जाके टाइम लगने वाला था ना, लंच का टाइम निकल जाता है, इस वजह हमने अच्छे से यहाँ पे लंच कर लिया, बहुत टेस्टी खाना था। तो बस फिर हम लोग थोड़ी देर पर पहुँच गए मंदिर, सनी सिंगापुर के मंदिर, ये था एंट्री। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो भी चढ़ाने का था वो ले लिया था और हम लोग बस चल रहे थे, मम्मी जी थोड़ी थक गई थी तो थोड़ा सा रेस्ट कर रहे थे, फिर हम लोगों ने करी एंट्री और बस फिर ये आगे की पूजा आप लोग देख लीजिए और आप लोग भी अच्छे से दर्शन कीजिएगा।
क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से हर चीज़ कैप्चर की, तो आप लोग भी अच्छे से दर्शन कीजिएगा। इस तरह से उनको सरसों का तेल या तिल का तेल चढ़ाया जाता है। तो हम सब ने थोड़ा थोड़ा उनको एक्चुअली ये सिस्टम यहाँ पे बना रखा है कि यहाँ से डालेंगे तो उनको वहाँ पे जाके शावर हो जाएगा, क्योंकि उनके पास जाने की अलाउ नहीं है। तो हम लोगों ने यहीं से ये जाली बनी हुई है, तो यहाँ से जो भी चढ़ाना है सब चढ़ा दिया था। तो देखिए, शिवाय ने छोटी सी बॉटल खरीदी थी अलग से अपने लिए, तो ये देखिए ये चढ़ा रहा है, इसको बहुत अच्छा लगा था। तो ये सरसों का तेल वहाँ पे चढ़ता है और तिल का तेल, और ये देखिए आपको अंदर तक अलाउ कर दिया था मोबाइल ले जाने के लिए। तो मैंने बहुत अच्छे से हर चीज़ रिकॉर्ड की है, आप लोग अपने घर बैठे दर्शन कर लीजिए। आप लोग बहुत ही लकी और भाग्यशाली हैं कि आपको घर बैठे उनके दर्शन हो रहे हैं, बहुत किस्मत से दर्शन मिलते हैं। तो हम लोग को तो बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि ट्रैवल करना मीन्स बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है, और इतनी मेहनत करके और उनके दर्शन हो जाए तो सारी थकान दूर हो जाती है। तो बहुत अच्छा लगा। अभी मैं थोड़ा और पास से दिखाऊंगी आपको। ये तो हम लोग लाइन में लगे हुए थे और बिल्कुल भी ज़्यादा भीड़ नहीं थी। तो इस तरह से हम लोगों ने दर्शन किए आराम आराम से, धीरे धीरे से, और बहुत अच्छा लगा दर्शन करके। आप लोग भी दर्शन कर लीजिए, जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं, जो भी आप इच्छाएं हैं, आप सब कुछ वहीं पे इनके दर्शन करते हुए बोल सकते हैं, दर्शन कर लीजिए। अब हम लोग औरंगाबाद के लिए निकल चुके थे, तो रास्ते में हम लोगों ने ये देखा, और ये मैंने शायद सेकंड टाइम देखा, क्योंकि मैं पहले भी आ चुकी हूँ ना शिरडी सिंगापुर। तो एक्चुअली यहाँ पे ना मशीन से नहीं, यहाँ पे ये बैल के थ्रू गन्ने का जूस निकाला जाता है। ये बैल राउंड एंड राउंड घूमता है, तो इसके जो बीच में गन्ने रखे जाते हैं उससे जूस निकलता है। तो हल्का सा रख देना, ये मैंने ये चीज़ यहीं देखी है, महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा है ये, नेचुरल तरीके से बर्फ वाले लोग हैं। तो हम लोगों ने यहाँ बैठ के यहाँ पे गन्ने का जूस पिया, क्योंकि गर्मी इतनी भयंकर हो रखी थी ना, मैं आपको बता नहीं सकती। नासिक तक बहुत अच्छा वेदर था, बट जहाँ पे हम लोग शिरडी और यहाँ आए ना,
इतनी हालत ख़राब हो गई हम लोगों की, इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई कि मैं बता नहीं सकी। देखिए मेरे चेहरे से आपको लग ही रहा होगा, मेरे सुबह से बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन सा भी हो रहा था, और इतनी धूप, एकदम कार में एसी में बैठे रहो और उसके बाद धूप में निकलो, तो उसकी वजह से और ज़्यादा तबीयत खराब हो रही है। गन्ने का जूस पीने के लिए रुके हैं अभी, नेचुरल तरीके से एकदम शुगर केन से गुड़ भी बनाते हैं, वही पापा जी ले रहे थे और वही बातचीत कर रहे थे, उनको गुड़ बहुत पसंद आ रहा है, बहुत ही सॉफ्ट था गुड़, बहुत ही ज़्यादा एकदम मुँह में घुलने वाला गुड़ था। तो यहाँ से पापा जी ने गुड़ भी खरीदा, बहुत अच्छा मिला। तो ये देखिए इस तरह से यहाँ पे ये गन्ने का जूस निकाला जाता है, और एकदम सामने लाइव निकालते हैं, रखा हुआ नहीं पिलाते हैं, एकदम लाइव निकाल के आपको देते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा था। और उसके बाद हम लोग निकल गए औरंगाबाद के लिए, तो हम लोग पहुँचे नाइट में, ये लोग ये सब बैठे हुए हैं, ये शिवाय सो गया है और हम लोग देख रहे थे कब आएगा कब आएगा कब आएगा। तो बस फिर अब मैं हम लोग जाके औरंगाबाद में आपसे मिलती हूँ। हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अब हम लोग पहुँच गए औरंगाबाद, ये रहा हमारा रूम, नेक्स्ट रूम, न्यू न्यू रूम्स हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं। यहाँ से ये एंट्री थी एंड दिस इज द रूम। नॉर्मल है, दिस इज द बालकनी, शिवाय बालकनी। तो चलिए अब फ्रेश अप हो जाते हैं, बिकॉज सुबह से ट्रेवल कर रहे हैं, दिन में बिल्कुल भी रेस्ट नहीं मिला, जस्ट अभी आए हैं, तो बस अब बहुत ज़्यादा थक गए हैं, भूख भी लग रही है। अब फ्रेश अप होकर थोड़ा सा खाते पीते हैं, फिर आपसे मिलते हैं।